काल में बिगड़ी जिम की फिटनेस। सबको फिट रखने वाले जिम की सेहत कोरोना काल में खराब चल रही है। हालांकि अब अनलॉक प्रक्रिया में मिल रही ढील से अधिकांश व्यापारिक गतिविधियां चल पड़ी है, लेकिन नागपुर में फिर से मिनी लॉकडाउन शुरू हो गया है। 4 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। इससे जिम संचालक और उस पर निर्भर रहने वाले जिम ट्रेनर व अन्य स्टाफ परेशानी झेलने को मजबूर है। शहर में छोटे, मध्यम व नामी जिम को मिलाकर करीब 5,000 जिम संचालित है। सामान्य दिनों में इन सभी जिम से करीब लाखों का कारोबार होता है, लेकिन महामारी के चलते बंद जिमों को उल्टा बिजली बिल, भवन का किराया व ट्रेनर आदि के भुगतान में हजारों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिम संचालकों का कहना है कि अन्य व्यवसाय की तरह उन्हें भी जिम संचालित करने का मौका मिले, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में दिए गए सभी नियमों का पालन कर जिम चला रहे हैं। वैसे भी पिछले साल मार्च से अब तक जिम अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार नहीं चल सके हैं। ऐसे हालात रहे तो जिम हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी, ऐसा फिटनेस मेनिया जिम के संचालक युवराज पागोरे ने हमसे कहा। जिम जाने का मूल उद्देश्य शरीर को फिट रखना और उसे सही आकार देना है, लेकिन कोरोना काल में जब सबसे ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत थी तब जिम बंद रहे और शराब की दुकान चालू है। सरकार कब होश में आएगी ये देखना होगा। ऐसे ही कुछ जिम संचालक और जिम ट्रेनर तथा जिम में जाने वाले लोगों से बातचीत की हमारे रिपोर्टर प्रणव सातोकर ने। रिपोर्ट बाय प्रणव सातोकर फ्रॉम नागपुर। नमस्कार, मैं प्रणव सातोकर। आज हम आए हैं नागपुर के एक जिम में। अभी प्रशासन के अनुसार प्रशासन ने जो नए निर्देश निकाले हैं, जिम का समय 4 बजे तक कर लिया है। पहले ही जिम मालिक जो है काफ़ी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे। 6 से 7 महीने इनकी जिम बंद थी। जो ट्रेनर्स लोग हैं उनको भी कहीं रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, और जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं जिनको एक्सरसाइज करनी है, जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनको कॉम्पिटिशन में जाना पड़ता है, उनके लिए भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो आइए हम जानते हैं कुछ जिम मालिकों से, एक ट्रेनर से और जो जिम के मेम्बर से, उनसे जानते हैं कि इनको इससे क्या तकलीफ। हम बात करते हैं यहाँ के ट्रेनर महेश सर से। महेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रशासन ने जो आदेश निकाला है तो इस कारण क्या नुकसान हुआ है जिम को? ये जो प्रशासन का नया नियम आया है उसमें तकलीफ ऐसा है कि हमारे बैचेस जो चलते थे या मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम चलते थे, तो जो इवनिंग का क्राउड है वो तो अभी आएगा ही नहीं, और मॉर्निंग में भी ऐसा है 50% का जो क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, तो हम एक टाइम में ज़्यादा लोग एडजस्ट नहीं कर सकते या फिर ज़्यादा लोगों को एक साथ वर्कआउट करने नहीं दे सकते। तो उसमें जो क्राउड आता था वो सीधा आधा 50% पे आ गया। जो इनकम थी वो एकदम ना के बराबर है। मुझे ये बताइए महेश जी कि आप ट्रेनर करके काम करते हो, पिछले मतलब 7-8 महीनों से जिम बंद थी, तो आपके आर्थिक क्या नुकसान हुआ है? आपको आर्थिक नुकसान क्या हुआ है? पैसा आपका क्या हुआ है? आर्थिक नुकसान तो बहुत हो गया सर। ऐसा जो भी इनकम सोर्स था सब बंद है, और अब इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर नहीं सकते, तो अभी बहुत तकलीफ वाला काम है वो। अब हम जानते हैं कुछ जिम के मेंबर्स लोगों से जो रेगुलर जिम में जाते हैं, उनका कुछ एम है, किसी को अपनी बॉडी बनाना है, किसी को अपना वेट लॉस करना है, तो ऐसे ही हम कुछ मेंबर्स लोगों से जानते हैं कि अगर जिम बंद हो गई या जिम का समय कम हो गया तो उन पर क्या असर पड़ेगा। सर आपका नाम? मेरा नाम निकित फुलजेल है, मैं धाड़ीवाल लेआउट का रहवासी हूँ। जैसा अभी जिम बहुत इरेगुलर हो गई है, तो हमारे जिम में बहुत सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के पावर लिफ्टर्स है जो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसा लास्ट लॉकडाउन में भी जैसा 8-10 मंथ जैसा जिम बंद थी, अब कोविड में सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो फिटनेस है। मगर यदि आप फिट रहोगे तो ही आप ये जो सिचुएशन है उसमें उससे कोप अप कर पाओगे। तो जिम बंद होने की वजह से ना प्रॉपर एक्सरसाइज हो पा रही है। लोकल गार्डन्स चालू है लेकिन वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा अगर गार्डन्स वगैरह जाते हैं तो लोग कंप्लेंट कर देते हैं। तो जिम बंद होने से ये नुकसान हो रहा है कि हम अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत इरेगुलर हो जा रहे हो। जो हमारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स है वो प्रॉपर अभी फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिम 10 दिन के लिए चालू होती है फिर 2 महीने के लिए बंद हो जाती है। इसमें क्या है कि अभी जैसा जो सबसे महंगा स्पोर्ट जो बोला जाता है वो जिम है। यानी अगर बॉडी बिल्डिंग का जो है वो सबसे महंगा स्पोर्ट है। फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज किसी बॉडी पावर लिफ्टर को मंथली 20 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम जो है वो खर्चा आता है। तो वो प्रैक्टिस शुरू करता है, उसके बाद लॉकडाउन आ जाता है, फिर मेहनत भी जाती है और पैसा भी जाता है साथ में। जैसा अभी हर साल हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ जिम में इम्प्रूवमेंट होते हैं, क्लीनअप का सेटअप, क्लीनअप में मेंटेनेंस पर ध्यान देना होता है। तो स्टूडेंट्स ना आने की वजह से वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग।
और इससे जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको भी प्रॉपर इनकम नहीं आ पा रही है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी प्रॉपर उसका कुछ आउटकम नहीं आ पा रहा है, तो बहुत लॉस हो पा रहा है और फिटनेस, बेसिकली फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थैंक यू। हम और बात करते हैं कुछ लोगों से। सर मुझे ये बताइए कि हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है फिर भी गवर्नमेंट दारू की दुकान को परमिशन दे रही है पर जिम को बंद कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि दारू आपको ऑनलाइन मिल जाती है, दारू की दुकान चालू है पर हेल्थ के लिए जिम के लिए ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जबकि जिम वाले आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, सब आदमी मास्क लगा के यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या एक नागरिक होकर या एक फिटनेस का आदमी होकर आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेरे हिसाब से सरकार ने ये निर्णय पे सोचना चाहिए, क्योंकि देखो जो कोविड है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शरीर की इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो आपको फिटनेस ज़रूरी है। फिटनेस के लिए तुम दो टाइम में काम कर सकते हो, क्योंकि रूटीन वर्क में सुबह से लेकर लोग शाम में काम वर्क करते हैं, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में लोग काम जिम कर सकते हैं। अगर इवनिंग में सरकार अगर बंद करती है तो जो इवनिंग वाले जिम करने वाले वो वैसे भी आ नहीं सकेंगे, अगर वो नहीं आते तो उनके फिटनेस का इश्यू होगा। अगर उनको सुबह में इसमें शिफ्ट करते हैं तो वहाँ ओवर क्राउडिंग हो जाएंगी, सरकार के जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग और चीज़ें वो अपन कर नहीं पाएंगे, इससे और नुकसान हो जाएगा और चीज़ें होने की संभावना रहेंगी, लोग आने से कतराएंगे। ये सब चीज़ों के बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। दारू से इम्पोर्टेंट, दारू अगर चालू रखते हैं तो उससे कोई फिटनेस नहीं आएगा, उससे तो लॉस ही होगा। फिटनेस तुम जिम आज शुरू रखेंगे तो उससे फिटनेस होगा, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, फिटनेस बढ़ेगा तो सर फाइट कर पाएंगे कोविड से। और कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, हम पहले आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम विजेंद्र है। मुझे ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि जो दारू चालू रखती है बाकी की चीज़ चालू रखती है पर जो जिम है वो बंद रखती है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना है कि जिम को लेते हुए सरकार ने थोड़ा सक्रिय होना चाहिए, जिसको लेते हुए यानी काफ़ी जो यंगस्टर है उनके इसमें ज़्यादा बीमारी फैलने के चांसेस अभी जो सरकार बताई जा रही है, देन अगर वो वर्कआउट करते हैं अपने आप को इम्यूनिटी पावर बढ़ाते फिट रखते हैं तो जिससे वो बीमारी से लड़ सकते हैं और चारों तरफ जो बीमारी का जो दहशत फैली हुई है उसको अपन कंट्रोल में ला सकते हैं। और काफ़ी हावड़ हो रखी है चारों तरफ में। हमारे साथ जिम के और एक ट्रेनर है, इनसे हम बात करेंगे कि जिम बंद होने के कारण खिलाड़ियों के बॉडी पर क्या असर पड़ता है या उनके रोज़गार पर क्या असर पड़ता है, हम आज बात करते हैं। सर आपका नाम? शोभित गुप्ता। मैं वन अबो फिटनेस इंडस्ट्री में ट्रेनर हूँ 10-12 साल से। अभी इस साल जो हम लोगों ने बुकते हैं एक साल में ट्रेनर्स ने और सारी जिम वालों ने, जिम ओनर ने भी, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और आगे जिम शुरू रखना चाहिए। रेस्टोरेंट बार और ये सारी चीज़ें शुरू है, यहाँ पे फिर भी हाइजीन मेंटेन होता है सारी चीज़ें, उसके वजह से मैं बोलूँगा कि शुरू रखना चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि एक खिलाड़ी जो रहता है एक बॉडी बिल्डिंग के लिए कितने साल से, मतलब एक एक दो दो साल तीन तीन साल से अपनी बॉडी डेवलप करता है कि उसको कंपटीशन लड़ना पड़ता है, तो अगर 6-6 महीने जिम बंद हो गई या इस तरीके से शेड्यूल रहा जिम का, तो उस खिलाड़ी के फिटनेस पे बोलो या उसके एक मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है? सर मैं ये बोलूँगा एक एक दो दो साल तो नहीं, लड़के 10-10 साल 15-15 साल से प्रैक्टिस करके फिर उतरते कॉम्पिटिशन में और सारी जीवन की पूंजी लगा देते हैं, पूरी मेहनत होती है सुबह से शाम तक। उसके सिवा डाइट हो गया, उनका खर्चा हो गया, कई सारे पोटेंशियल होते कई सारे नहीं होते। अब ये जो लॉकडाउन हो रहा है और जिम बंद हो रही है तो प्रैक्टिस पे तो इफ़ेक्ट हो ही रहा है, मगर उसको जैसे 6 महीने बाद 5 महीने बाद कंपटीशन में उतरना है तो टोटल फेल्योर हो जा रहा है 6 महीना प्रैक्टिस करने के बाद, 8 महीना प्रैक्टिस करने के बाद। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना चाहिए या स्पोर्ट पर्सन को एक सेपरेट फैसिलिटी देना चाहिए, अगर लॉकडाउन भी है तो 1-2 घंटा वो कर सके, इस तरीके से वो अपना स्कोप करेगा, करियर करेगा। और बाकी ट्रेनर्स के लिए भी सोचना चाहिए, करियर उनका भी डिस्टर्ब है कम्प्लीटली। जिन्होंने रेंट पे जिम लिए हुए वो तो पूरे डूब गए, कई सारे सुसाइड लेवल पे आ गए हैं, और जो ओनरशिप में वो यानी 10% 20% में अभी बिजनेस कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे, अपना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने या फिर अपना जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि यार जिम बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जिम हो गए, जिम के ट्रेनर हो गए, जिम के साथ जिनके रोज़गार जुड़े हैं, लोगों ने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया है जिम में, एक जिम खड़ा करने के लिए आज 20-25 लाख रुपये लगते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से ये चीज़ को? अभी देख लिया गवर्नमेंट के लिए कैसा है, रिसेंटली न्यूज़ तो ये है कि जिम ओनर जो है उसको लोन मिलना भी बैंक से बंद हो गया है, या ट्रेनर्स को कुछ आगे स्कोप करना है उसको, उसका बैंक करप्शन इतना हो गया है, पोटेंशियल लेवल लो हो गया है कि उसको लोन मिलना और बाकी सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट मिलना मुश्किल हो गया। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए जो जिम ओनर्स है उनको कुछ फैसिलिटी दिए जाए,
लोन से रिलेटेड या पोटेंशियल लेवल से रिलेटेड और बिजनेस के साथ में, और उनको ग्रोथ करने को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। सर धन्यवाद हमसे बात करने का, आपने बहुत जो मुद्दे थे उस पर हमें क्लियरिफाई किया कि जिम का क्या हाल है, इसके लिए धन्यवाद सर। और हमारे साथ कुछ है जो जिम में रेगुलर मेंबर है, उनसे हम बात करेंगे। एक बताओ भैया, गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम रेगुलर जिम में आते हैं तो उन्होंने इस पर सोचना चाहिए कि जिम कंटिन्यूसली चालू रखना चाहिए ताकि हम फिट रहे और हेल्थी रहे इस चीज़ से। तो सनसेवाला न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रणव सातोकर, नागपुर। सनसेवाला न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रणव सातोकर, नागपुर।